सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंचलपंत व्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं हनुमान धाम छोई, और वहाँ चल करके दिखाते हैं आपको। वहाँ हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है, और वहाँ चल करके आपको वहाँ का दिखाते हैं किस तरह का आध्यात्मिक और भक्तिमय माहौल है। तो चलिए चलते हैं और बने रहिए व्लॉग में। और ये हम नैनीताल से निकल चुके हैं, और जैसे ही हम नैनीताल से निकले तो बड़ा ही शानदार नज़ारा क्लाउड्स का दिखा हमें, बादलों का। बहुत ही ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ़ के पहाड़ों से लगदक होगा ये नज़ारा। तो चलिए चलते हैं। तो हम पहुंच गए हनुमान धाम छोई, ये रामनगर के नज़दीक में स्थित है, और हमने लगा दी है गाड़ी पार्किंग में। पार्किंग में मतलब थोड़ा सा पहले हमने लगाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियों की भीड़ यहाँ पे को आज लग रही थी, तो हमने गाड़ी को बाहर पार्क किया। लेकिन जब अंदर आकर के देखा तो और भी बड़ा पार्किंग का स्पेस मंदिर से थोड़े से ही नज़दीक में यहाँ पे को दिख गया हमें। तो यहाँ पे को आप पूरा अंदर तक ला सकते हैं, और यहाँ पे को जो दर्शनों का समय है वो सवेरे 6 बजे से रात्रि के 8 बजे तक यहाँ पे को भक्त जन आ सकते हैं। ये सामने यहाँ पे को काफ़ी सारी प्रसाद की दुकानें, हमने एक दुकान से प्रसाद लिया, और अब हम अंदर मंदिर की ओर को, मंदिर प्रांगण की ओर को बढ़ रहे हैं। तो मंदिर प्रांगण में बाहर से ही जूते चप्पल उतारने के स्टैंड बने हुए हैं, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, और हमने अपने जूते चप्पल बाहर ही मंदिर के उतार दिए हैं, और अब हम यहाँ से अंदर मंदिर की ओर को जाएंगे। शाम का समय है, हमने आरती का समय यहाँ पर चूज़ किया आने के लिए, और कोशिश करी कि हम आरती के समय में यहाँ पे को यहाँ आरती में शामिल हो सकें, तो इसलिए हमने यहाँ पे को किया। तो ये हम अब मंदिर प्रांगण के अंदर पहुँच चुके हैं। हनुमान धाम मंदिर अंजलि गांव में, जो रामनगर के नज़दीक में छोई एक स्थान है, वहाँ पे छोई ग्राम में स्थित है। यह पूरा मंदिर जो है हनुमान जी को समर्पित है, प्रभु श्री राम के भक्त और भगवान हनुमान जी को समर्पित यह धाम हनुमान धाम रामनगर के नाम से प्रसिद्ध है। और यह इस मंदिर का निर्माण कार्य वर्ष 2011 में शुरू हुआ था। इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि इस मंदिर परिसर में हनुमान जी के 9 स्वरूप और 12 लीलाओं, यानी उनके कुल 21 स्वरूप स्थापित हैं, जो इस मंदिर को उत्तराखंड के प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल करते हैं। हनुमान जी के 9 स्वरूप, जिनको कहा जाता है दिव्य स्वरूप, मानजनी के साथ बाल रूप, राम जी के चरणों में दास्य रूप, रमामणि हनुमान, संकीर्तनी हनुमान, पंचमुखी हनुमान, संजीवनी हनुमान, राम लक्ष्मण को कंधे पर लिए पराक्रमी हनुमान, और राम सीता हृदय में राममय हनुमान, यह सब रूप यहाँ इस मंदिर में स्थापित हैं। और आप देख सकते हैं कितना भव्य स्वरूप इस मंदिर का ये यहाँ पे को बन रहा है, और अभी भी यहाँ पे लगातार निर्माण कार्य चालू है। इस हनुमान धाम मंदिर की एक और विशेषता है कि यहाँ श्री हनुमान धाम के अंदर जो वास्तुकला है, दोनों ही भीतरी और बाहरी दोनों ही रूपों में बड़ी ही शानदार है। इसलिए एक पर्यटक के रूप में भी, धार्मिक पर्यटन के रूप में भी, यह एक मुख्य आकर्षण का एक केंद्र बनता जा रहा है। और इस मंदिर में एक धनुषाकार प्रवेश द्वार है जो 2 मछलियों को दर्शाता है, जो भाग्य और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती हैं। ये आप देख सकते हैं, संध्या काल में सूर्यास्त का समय है, और हम मंदिर परिसर में यहाँ पे को हैं, और आप देख सकते हो यहाँ से इस मंदिर परिसर का पूरा विहंगम दृश्य, बहुत लंबा फैला हुआ है और पूरा संगमरमर का बना हुआ यह मंदिर है, मंदिर परिसर। और इसको ऐसा एक यहाँ के लिए कहा जा रहा है कि इसको दुनिया के सबसे खूबसूरत धामों में से एक धाम बनाने का ऐसा प्रयास यहाँ पे को जो यहाँ के व्यवस्थापक कमेटी है, उन्होंने ये लिया है। यहाँ पहुँचने के लिए अगर नैनीताल के रास्ते से आ रहे, हल्द्वानी नैनीताल के रास्ते से आ रहे, तो कालाढूंगी से रामनगर का जो रास्ता है वहाँ पे आकर के छोई से आप अंजनी गांव की ओर को आप आ सकते हैं, और वहाँ पे से आप हनुमान मंदिर पे, यहाँ पे हनुमान धाम पे पहुँच सकते हैं। यहाँ का जो सबसे निकट का रेलवे स्टेशन है वो रामनगर रेलवे स्टेशन है, जो यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है। पन्नगर हवाई अड्डे से भी आप यहां पर आ सकते हैं, जो लगभग 77 किलोमीटर की दूरी पर है।
तो इस मंदिर का जो मैंने आपको विशेषता बताई है, एक बहुत ही प्यारा मंदिर यहाँ पे को ये बना रहे हैं हनुमान धाम का मंदिर, और आप भी आइए और यहाँ पे आकर के इस पे दर्शन कीजिए जी। जिस स्थान पर यह मंदिर स्थापित है उसके आसपास का गांव का जो वातावरण है वो भी बहुत ही शांत वातावरण है। अंजनी ग्राम बहुत ही शांत वातावरण में यहाँ पे को है, और इस मंदिर के चारों ओर का आप ये देख सकते हैं दृश्य है। और साथ ही एक और खासियत इस मंदिर की है कि जो असहाय या इस तरह के जो वृद्ध लोग होते हैं जो नहीं चल फिर सकते हैं या इस तरह से जिनको मदद की आवश्यकता होती है, तो वो भी अगर दर्शन करने इस मंदिर में आना चाहते हैं तो यहाँ मंदिर समिति ने बहुत ही अच्छा एक व्यवस्था कर रखी है। यहाँ लिफ्ट की व्यवस्था भी स्थापित है, और साथ में आप यहाँ पे को उनको लिफ्ट से ऊपर ला करके फिर बाद में व्हील चेयर या बाकी अन्य माध्यमों से भी आप उनको, ये सामने देख सकते हैं लिफ्ट लगी हुई है, वहाँ से भी ला के मंदिर में दर्शन करा सकते हैं। तो बड़ा ही प्यारा मंदिर है, पूरा ही ये संगमरमर का बना हुआ है, और यह जो मंदिर है यह हनुमान सेवा ट्रस्ट के माध्यम से इस मंदिर का निर्माण कार्य जो है वर्ष 2011 से आचार्य विजय जी के द्वारा अनवरत जारी है, और इनका ये कहना है कि इसको दुनिया का सबसे खूबसूरत धाम यहाँ पे को बनाया जाएगा, और पाँचवें हनुमान धाम को भारत के पाँचवें धाम के रूप में अपनी जो कीर्ति और पताका है वो पूरे विश्व में लहराएगी, यह ऐसा उनका मानना है। और वास्तव में जब आप यहाँ पे आएँ तो आपको भी लगता है कि यहाँ पे को इसी तरह का यहाँ पे को स्वरूप देखने को यहाँ का मिलता है। तो बड़ा ही प्यारा विहंगम दृश्य यहाँ का रहता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे कोई जो यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और संवर्धन का भी यह जरूर ही आने वाले वर्षों में एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित होगा, ऐसा यहाँ आकर के लगता है। बहुत ही शांत आध्यात्मिक माहौल यहाँ का है, आप आसपास में यहाँ पे को बहुत ही प्यारी ऐसे एरियाज़ को डेवलप किया गया है जहाँ पे आप बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। साथ ही जब भक्तजन यहाँ पे आते हैं तो न सिर्फ वो मंदिर के दर्शन करते हैं बल्कि उसके साथ एक आध्यात्मिक शांति और अनुभूति का भी अनुभव यहाँ पे आकर के वो करते हैं। तो बहुत ही प्यारा धाम है ये। इसके साथ ही कॉर्बेट और आसपास भी जब व्यक्ति घूमने आते हैं तो आज के दिन हनुमान धाम आना हर कोई नहीं भूलता है, और साथ ही हर एक श्रद्धालुओं के भीतर भी यह एक प्रमुख धाम के रूप में अपने को स्थापित कर रहा है। तो अब आरती का समय हो गया और आपको सुनाते हैं यहाँ की आरती भी, बहुत ही प्यारी और आध्यात्मिक आरती यहाँ पे होती है, तो आप भी आनंद लीजिए उस आरती का, और प्रभु हनुमान जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होएगा।
परसों 6 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव है और इस दिन यहाँ पे को विशेष कार्यक्रम और पूजा अर्चना आयोजित होगी, तो आप भी यहाँ पे कुछ उस पूजा अर्चना में सम्मिलित हो सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे अंत, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान और सभी को सादर प्रणाम।